किसी के पैर पर हल्का सा इसको ऐसे रख के पैर पर ऐसे घुमा दिए, चमड़ा सारा इसमें आ जाएगा। नहीं करना किसी गरीब के साथ। हम लोग इतने अमीर हो गए। कत्ता घर छा बगरासी आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग, क्योंकि अभी रात के बज गए हैं 10:30। और गाइस, कल का हमारा फ्लाइट का टिकट है और मैं घर जा रहा हूं। और देखो, जाने की तैयारी इतनी जोरों शोरों से चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा बैग पूरा तैयार हो रहा है। एक ये बैग है, एक ये बैग है। और जब से पता चला है कि 15 किलो 7 किलो वाला वजन होने वाला है, तब से एक ये लगेज मेरा और एक ये वाला छोटा बैग, ये मैंने इधर ही ये मैंने इधर ही छोड़ने का फैसला किया है। और मैं जो ले जा रहा हूँ, ये अरशद बैग पैक कर रहा है। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कपड़ा ले जाना है और कौन सा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं कि कोई भी चार्ज लगे। उसके बाद ने देखा ही सब चीज। सबको देना है, यहाँ से हम गिफ्ट भेज रहे हैं आप लोग के लिए, सब इसमें से टेस्ट करना। सब्सक्राइबर की फैमिली मेंबर। खैर, तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं। मस्जिद में टोपी बटवा देना यहाँ से। बाप रे, हमरे बोला बात सब जो हमरे सुना रही, ये गलत है। टोपी हमने कहीं देखो, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। और क्या सब ले जा रहे हैं? बस कीजिए, पता टूट लेगा तो वैसे भी सामान नहीं है ले जा पाएंगे ज्यादा। एकरा कितना वजन है रे? 300 ग्राम। नहीं भाई, आधा किलो ये को नहीं ले, जुट्ठे का वेस्ट हुई है। सबसे पहले ये मैं आपको जूता दिखाने वाला हूँ जो मैंने लिया है और जो मैं पहन के जाने वाला हूँ कल घर। तो चलिए मैं खोलता हूँ जूते को। अरे, किसी के पैर पर हल्का सा इसको ऐसे रख के पैर पर ऐसे घुमा दिए, चमड़ा सारा इसमें आ जाएगा। नहीं करना किसी गरीब के साथ। हम लोग इतने अमीर हो गए। दुकानदार को बोले कि जूता देने के लिए, तो ये बोला सो हम ढूंढ के लिए कि देखो मेरे को ऐसे सोल वाला चाहिए। बोला क्यों सर? बोला क्योंकि एक आदमी से बदला लेना, उसने मेरे पैर पे अपना पैर रगड़ दिया था। तो बोला कि सर ये है इतने, मतलब कुछ ज्यादा ही महंगा बताया। बोला भाई सिर्फ एक दिन मेरे को पहनना, उसके पैर पर ये रख के घुमा देना, उसके बाद पड़ा ही रहेगा, तो उस हिसाब से रेट बताओ। एक ही बार यूज का सर, बदला लेना है तो आपको वही रेट लगेगा। तो ये दिया है। खैर, कितने में दिया ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। चलिए, ये है हमारा जूता। 2.5 किलो 2.5 किलो ये मैं लेके जाने वाला था, लेकिन 5 किलो का वजन मैं नहीं सह सकता। ये मैं पहन के ही जाऊंगा। ये मेरा गिटार भी ले जाना? नहीं, पीछे टांग ले। देखे मेरा घर का बैग करो। अरे भाई, तुम्हारा सारा नियत हम समझ रहे, जो मैकबुक दिखाना चाह रहे हो ना तुम। काम लो, नींद जल्दी करना यार। नहीं खराब हो गए भाई रे, काहे ला गरीब आदमी का जा नहीं करो तुम। करना करी ना पैकिंग। ये क्या है? ये है मुझे, ये है किलर बेल्ट। खोल जल्दी। नहीं बताना था। हमने आँखों देखा बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। ये निकाल, आईफोन निकाल उधर से, निकाल उसमें से, निकाल आईफोन। अच्छा, आईफोन का। गाइस, This is the power of Allah Pak. क्योंकि जब अल्लाह पाक का फजलो करम होता है तो ऐसे ही iPhone, MacBook, फ्लाइट का टिकट।
बहुत सारी चीजें चश्मा का दाम बता दें ये गलत बात नहीं बताना। ये देखिए क्या है, बॉडी स्प्रे जो कि ऐसे हम लोग वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा ये, मुंबई में अगर रहोगे तो इस चीज को टांग के चलना ही पड़ेगा। एगो परफ्यूम भूल गए थे तो कौन सा सब कौन सा एक कौन सा। और गाइस ये है पर्स पैसा कहाँ रखे रे हमने जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और कुछ शॉपिंग भी करना है। ऑटो वाले भाई बड़े गौर से देख रहे, तो चलिए उनसे भी मिलाते हैं। हाँ भाई बोला जाए, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुर्ला। चलिए ये मसाला डोसा तैयार, बैठ के खाने का कोई सिस्टम नहीं है। गाइस सुबह के बज गए हैं 4 अगर दिख रहा हो तो, और अर्शद को नींद से जगा के, क्योंकि आज है हमारा फ्लाइट, तो गांव जाने की पुरजोर तैयारी हो रही है, एटलीस्ट हो ही गई है, बस कुछ कुछ बचा हुआ जो कि। तो अभी हम लोग निकले हैं देखने के लिए कि यहाँ कोई बाहर में चाय वाला है या नहीं, क्योंकि 4 बजे वो आ जाता है। 5 मिनट टाइम है, 4 मिनट 4 बजे में, तो अभी तो नहीं आया है, वही दूर दूर तक देखा जा रहा है। आपको भी हम दिखाते हैं, न इधर है सुनसान, न इधर है, अंधेरी रात भी नहीं है और सुनसान राह भी नहीं है। होटल का जरा लाइक होटल, होटल गेस्ट इन रेसिडेंसी, और यहाँ पर हैं हम लोग। उधर भी चलिए, कहीं चाय वाला अगर मिल गया तो चाय पी ही लेंगे, थोड़ी दूर टहलते हैं मॉर्निंग वॉक के नाम पे। फाइनली काफ़ी मुशक्कत के बाद एक चाय वाला आया। अब देखना ये है कि कता घर छा बगरासी। बगरासी जिला कहाँ पड़े छे बगरासी के? मोहल्ले के लड़का सब टकरे ले हो क्या? सच में बगरासी के हो? चाय के क्वालिटी से पता चलेगा। अरे अरशद रे सही में बगरासी का क्या नाम है? सूरज मुखिया। सूरज मुखिया कौन पंचायत के? अच्छा मुखिया वो कास्ट जो मुखिया होता वही ना। तो गाइस जहाँ भी जाओ मोहल्ले के लड़के मिल ही जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे चाय वाले सूरज मुखिया, गांव बगरासी, जिला दरभंगा। हाँ तो गाइस फाइनली मैं सुबह रेडी हो गया हूँ, बहुत सवेरे, अब सोया ही नहीं तो सवेरे क्या उठना यार, एक्साइटमेंट घर जाने की, और इसने मुझे सोने भी नहीं दिया, ये इसकी नादानी थी। नाश्ता कीजिए, खुद तो सोया है और मुझे सोने नहीं दिया, और वो सब तो बात होती रहेगी। फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि पूरे पुरजोर तैयारी के बाद, कटकुट के बाद, 15 और 7 किलो वाला बात को ध्यान में रखते हुए 2 लगेज तैयार हुआ। एक ये है ये, और एक है ये छोटा सा, मैंने अभी वेट करवा के भी मंगवाया तो पता चला ये 14 किलो है और ये 6.5 किलो पूरी। और ये क्या है, ये छोला है क्या? ये अभी हमारा नाश्ता है, अभी मैं बिस्मिल्लाह करके इसे खाऊंगा, फिर आगे बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अलविदा हो रहा हमारा, क्या भी आ गया, तो अब हम मैं निकलता हूँ, रोएगा भी नहीं, ठीक है तो फिर इंशाल्लाह।
टर्मिनल 2 एयर लैंग्वेज स्पाइस जेट फाइनली। तो गाइस फाइनली मुद्दतों बाद पूरे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मुझे ये मिल गया पास टिकट। और अब बोर्डिंग टाइम है मेरा 1:45 का, जो कि अभी 12:15 ही बजे है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वेट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। कुछ टाइम पास करना पड़ेगा। क्या सॉलिड है टेंशन? अरे तुम्हारा सारी चेक इन होने के बाद अपने फ्लाइट के पास भी आ गया हूँ, और बस इसके अंदर चेक इन करना है। तो बहुत मुश्किल के बाद यहाँ आना हुआ, और अब देखते हैं अंदर क्या सीन होता है। क्योंकि विंडो सीट तो मिला नहीं जो मैं चाह रहा था, सर्वर पता नहीं क्या डिले कर दिया। चलिए इसके अंदर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई और अब नहीं होगी। चलिए गाइस फाइनली प्लेन पर बैठ चुके हैं, और हमारे साथ दो और भाई बैठे हैं। विंडो सीट के पास बैठे लेकिन विंडो है ही नहीं, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। अब उड़ान भरेगी, फिर देखते हैं क्या होना। फाइनली लैंडिंग हो गया है, और वेलकम टू पटना बिहार। बिहार की खुशबू माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में पटना पहुंच चुके हैं। अब लग रहा है अपने घर आ गए। तो अब बाहर निकलते हैं, चलते हैं, और अभी तो सफ़र बाकी ही है। चलिए मिलाते हैं फिर। यहाँ से आने वाला है मेरा लगेज। तो गाइज अभी आए हैं पटना के चंदा मामा मॉल, हाँ सॉरी हाजीपुर के, और मॉल है कि शोरूम है? शोरूम। यहाँ देखते हैं किस तरह का कपड़ा मिलता है, कुछ भी तो नहीं पहन लेंगे। ब्लैक और एक लाइट शेड में जाएंगे, कॉटन नहीं आएगा, इसका एक पीच कलर है नेवी ब्लू। तो ब्लेजर देखा जा रहा है, लेकिन गाइज ब्लेजर समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, क्योंकि जो ट्रायल करने के लिए दिया साइज के लिए वही ज़्यादा पसंद आ गया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा। ये वाला है, ये पसंद तो आ गया है, लेकिन और भी वो दिखाया है ये सब, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो मैं हूँ और मेरे साथ में मेरी बेटी है। बेटी हेलो गाइज कर दीजिए। वो नहीं, आप सिर्फ हेलो कीजिए ऐसे, हेलो गाइज। ये मेरा बेटा है, बेटा हेलो गाइस कर, हेलो गाइस। यहाँ यहाँ है गाइस को, ठीक है बेटी तैयार हो हल्दी के लिए, हल्दी रसम? मेरा बेटा सो रहा है, बोपरी बोपरी। ब्रदर इन लोग की शादी भी अटेंड की। हाँ तो ये है दरभंगा CM आर्ट कॉलेज, और एक ये मैरिज हॉल भी है जहाँ हम लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई, हम लोगों के ठहरने की। ये नाश्ते की पैकिंग है, देखते हैं क्या सब मिलता है इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत खूब। ये है मेरे मजले साडू, और ये चश्मा वाले हैं बड़े साडू, और ये हूँ मैं, और ये हैं मेरे ब्रदर इन लो जिनकी शादी है। ये सबसे छोटा वाला ब्रदर इन लो, वो मेरे फादर इन लो, और सबसे लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।